नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। सभापति पद पर वैद्य माटे पाटिल बोंढारे कांग्रेस को 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिला 1 पद। जिला परिषद के 4 सभापति पद के लिए गुरुवार को उपविभागीय अधिकारी शेखर खाड़गे की उपस्थिति में चुनाव कराए गए। इनमें 4 में से 3 सभापति पद पर बहुमत वाली कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस को 1 पद मिला। कांग्रेस ने अपने मित्र पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 पद देने की तैयारी दर्शाई थी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इसे अमान्य किया था। कांग्रेस के तापेश्वर वैद्य, भारती पाटिल और नेमाली माटे, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उज्ज्वला बोंढारे नए सभापति चुने गए। जिला परिषद के आबा साहेब खेड़कर हॉल में सभापति की चयन प्रक्रिया पूरी की गई। कब साकार होगा काटोल जिला? वर्ष 1972 से काटोल जिला बनाने की मांग की जा रही है। राज्य शासन ने इस बारे में सर्वे भी किया था। विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष मधुकर कीमतकर ने भी प्रस्ताव भेजा था। इसके बावजूद शासन की प्रास्ताविक 22 नए जिलों की सूची में काटोल का नाम न होने से परिसर की जनता में रोष है। गृह मंत्री करे प्रयास तो बन सकता है। काटोल जिला कृति समिति के अध्यक्ष संजय डांगोरे ने कहा कि काटोल जिला बनाने मांग काफी पुरानी है। अब काटोल के विधायक अनिल देशमुख ही राज्य के गृह मंत्री बने हैं। उनके राजनीतिक कद का लाभ काटोल जिला निर्मिति प्रक्रिया में निश्चित ही हो सकता है। उनके नेतृत्व पर हमारा पूरा विश्वास है, इस कारण शीघ्र ही काटोल जिला बनेगा, ऐसा विश्वास जनता ने दर्शाया है। भंडारा जिले में आज आयोजित होंगी फ्रीडम फ्रॉम फियर दौड़। रात में सफर करने वाली महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और पुलिस के प्रति उनमें विश्वास बढ़ाने के लिए भंडारा जिले में पुलिस की ओर से मिडनाइट इवेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र पुलिस की ओर से 9 फरवरी को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।